नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आज दो बड़े सवालों के बारे में आज किस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आपके साथ, और वो दोनों बड़े सवाल बीएड से रिलेटेड है। तो दोस्तों फर्स्ट में तो मैं बात करूंगा बीएड की परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि दोस्तों जो भी बीएड की स्टूडेंट है सभी के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि बीएड की परीक्षाएं कब करवाई जाएंगी। और दूसरा सवाल रहेगा दोस्तों, क्या बीएड द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट रीट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट में बात करते हैं बीएड की परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों आप में से जैसे काफी लोगों को पता होगा कि बीएसटीसी का जो एक तरह से डेट है वो घोषित हो चुकी है, साथ में एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों बात करें बीएड की परीक्षाओं को लेकर, तो दोस्तों बीएड की परीक्षाएं तो करवा ली जा सकती है, लेकिन इसी के बीच में रीट की परीक्षाएं भी आ चुकी है जो कि 26 सितंबर को है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो अगर जैसे बीएड की परीक्षा रीट की परीक्षाओं से पहले करवा ली जाती है तो दोस्तों इससे एक तरह से छात्रों के मन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो बीएड की परीक्षाओं पर फोकस कर पाएंगे ना ही वो रीट की परीक्षाओं पर फोकस कर पाएंगे। और आपको जैसे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे बीएड की परीक्षाएं 15 दिसंबर तक जाकर उनके परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, और उसी के बाद रीट की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगर रीट की परीक्षाओं के परिणाम उसके बाद घोषित किए जाएंगे तो दोस्तों उसी से पहले बीएड की परीक्षाओं के इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही जो बीएड की परीक्षा है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे मतलब एक तरह से जो छात्र है उनके मन में तनाव बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपके हित में सोचे तो दोस्तों जैसे आपके मतलब कि एक तरह से अगर राजस्थान सरकार आपके हित में सोचे तो आपकी परीक्षाएं रीट की परीक्षाओं के बाद में करवाई जाएंगी, और उससे पहले आपकी रीट की परीक्षा हो जाएगी जो कि 26 सितंबर को है। क्योंकि इस तरह से छात्रों के मन में एक तरह से तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि दोनों परीक्षाएं अगर साथ साथ होंगी तो इसमें दिक्कत आएगी। अगर जैसे आप मान लीजिए जैसे 26 सितंबर को रीट की परीक्षा है, अगर उससे पहले जैसे टाइम टेबल भी घोषित करती है सरकार बीएड की परीक्षाओं को लेकर, तो उसमें कम से कम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए 15 या एक महीने का टाइम मिलता है, तो बाद में जाकर ही आपकी परीक्षाएं होने वाली है जो भी बीएड के छात्र है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको साफ सभी को मिल गया होगा। इसी के बाद दोस्तों बात करें दूसरे सवाल की कि क्या बीएड सेकंड ईयर के छात्र रीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो भी बीएड सेकंड ईयर के छात्र हैं, चाहे फिर वो इंटीग्रेटेड के छात्र हो चाहे फिर वो बीएड के छात्र हो, जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड वो छात्र हो सेकंड ईयर के, चाहे वो बीएड 2 वर्ष वाले स्टूडेंट हो, ये सभी बीएड की परीक्षाओं में दोस्तों शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है बहोर सिंह भाटी, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो बीएड के छात्र है वो रीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है दोस्तों, जो भी बीएड सेकंड ईयर के छात्र है वो रीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि बीएड की परीक्षाएं आपकी, जैसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं, जो बीएड की परीक्षाओं की पहले संभावना बताई जा रही थी कि बीएड की परीक्षाएं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में करवा ली जा सकती है, आपकी परीक्षाएं रीट परीक्षा के बाद में ही होने वाली है। अगर मतलब कि सरकार स्टूडेंट्स के पक्ष में अगर फैसला लेती है तो वो बीएड की परीक्षा रीट परीक्षा से पहले करवा सकती है, अगर पक्ष में फैसला लेगी तो वो की परीक्षा रीट की परीक्षा के बाद में ही करवाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में दोनों जो क्वेश्चन आपके मन में पुटअप हो रहे थे उनके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में उत्पन्न हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और यार दोस्तों बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको आप सभी को मिलती रहती है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जो भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आती है आपके लिए डालता रहता हूँ। तो यार दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।